आज बिहार के अंदर कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होगा? हमने ऑनलाइन तो समझ लीजिए सब कुछ ही देख दिया है, 2 साल हो गए, 2 या 2.5 साल से ऊपर हो गए। तो ऑनलाइन ठीक है पर ऑफलाइन देखना भी जरूरी है कि ऑफलाइन कैसे क्या है। तो भाई अगर आप दिखा दीजिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंटर खुले हुए हैं, जैसे कि शाओमी के ऑथोराइज तो नहीं है, जैसे रियलमी का स्टोर नया नया ओपन हुआ है मेरे को लगता है, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मैंने आज पहली बार ये चीज़ देखी है, शाओमी का स्टोर इस साइड खुला हुआ है। देखिए आप इस साइड ये जो स्टोर है, ये शाओमी का स्टोर है, ये हॉटस्पॉट खुले हुए हैं। तो एक बार हम चेक करें कि प्राइस की क्या क्या चल रही है, तो एक बार मेरे साथ चलेंगे, आइए बार मेरे साथ। तो भाई ऑनलाइन तो सब चीज़ ठीक थी, एक बार ऑफलाइन और चेक कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ ठीक देखने को मिल जाती है, क्या नहीं मिल सकती। ठीक है मैम, आ सकते हैं पर वीडियो बनाने के लिए? सॉरी, इधर एक वीडियो वीडियो में आना है, वीडियो बनानी है पर आपसे कुछ चीज़ डिस्कस करनी है। ठीक है, तो भाई ये चीज़ है, तो ये सर थोड़ी देर में फ्री हो जाएंगे, तो थोड़ी देर फ्री होके तो सर आ जाए, आ जाए। तो सर हमको कोई 5 हज़ार के अंदर कोई स्मार्टफोन लेना है, तो आपके पास कोई बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन कौन सा स्मार्टफोन है आप मेरे को बता सकते हैं? यस सर, आइए सर से बात करते हैं। 5 हज़ार में सैमसंग का मिलेगा आपको, सैमसंग का। ठीक है, दिखाइए सर, नाम क्या है सर आपका वैसे? गोविंद। गोविंद, गोविंद सर भाई हमको दिखाएंगे सैमसंग का M01। ये हमने ऑनलाइन भी चेक किया था और ठीक है, सेल पैक है, हाँ ये तो हम इसको ओपन नहीं करेंगे। तो भाई देखो ये फ़ोन है 5 हज़ार के अंदर, इसमें आपको 3000 mAh की बैटरी, 8 MP का रियर कैमरा और फ्रंट का बैक, और ये नॉर्मल जो ये चीज़ मिलती है इसमें इतना ही मिलता है, जो कुछ चीज़ में एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और सैमसंग की तरफ से है, आप फ़ोन में ठीक ठाक फ़ोन उठा सकते हैं, व्हाट्सअप चला सकते हैं, ज़्यादा कुछ गेमिंग की आप इसमें उम्मीद मत रखिएगा। और इसके अलावा सर कोई ऑप्शन आपके पास? इसके अलावा तो फिर ऊपर जाएगा तो फिर वीवो का आता है 91i। अच्छा, रेडमी है, तो ये इस किसमें क्या क्या स्पेक्स दे रहे हैं सर आप? इसमें क्या क्या स्पेक्स है सर? इसमें 2GB 32GB इंटरनल मेमोरी होती है, 8 MP कैमरा है, 5 MP कैमरा है इसके अंदर। तो सर आप पास कोई रियलमी का, शाओमी का या फिर कोई? रियलमी नहीं रखते हैं अभी। अच्छा, ये वैसे कोई ऑफिशियल में ऑथराइज शॉप है किस चीज़ की? मल्टीपल ऑप्शन हैं, सैमसंग है हमारे पास, MI होता है हमारे पास, वीवो होता है, ओप्पो होता है, एप्पल होता है। सर ने दिखाया सैमसंग का M01, हाँ, उसकी प्राइस 4,000-5,000 rupees है। और सर 4999, अगर कोई क्रेडिट कार्ड लगाए या कुछ लगाए तो SBI पे अगर आप पेमेंट करते हो क्रेडिट कार्ड से तो 10% कैशबैक भी है, 10% डिस्काउंट है। तो भाई आपको वहाँ से 500 rupees कैशबैक मिल जाएंगे और आपके 4,500 rupees पड़ जाएगा। तो बैड ऑप्शन नहीं है यार, आप ले सकते हैं और ठीक लगी 100 rupees मेरे को, और ज़्यादा कुछ ऐसे होती है दुकानें और ज़्यादा कुछ तो होता नहीं। और ये कुछ इसमें डमी फ़ोन लगाए हुए हैं और गोविंद सर ने हमको दिखाया, तो ठीक है सर, थैंक यू। तो भाई अभी और दुकान एक्सप्लोर करेंगे, मार्केट में आए तो अच्छी तरीके से देख के जाएंगे, और हमें कहाँ पे कोई रियलमी और शाओमी मिल जाए ना, तो जब हम उसको देखने आते हैं। हाँ जी भैया, आ जाए भाई, आ जाओ भाई। तो भाई भाई आपके पास शाओमी या रियलमी के स्मार्टफोन है? वीवो और ओप्पो ओनली? वीवो ओप्पो सैमसंग। तो भाई इस रूम में तो हमको कोई मिला नहीं, इसमें सारे वीवो और ओप्पो के स्मार्टफोन देखने मिले, और ट्राई करते हैं आगे यार कभी मिले, क्योंकि मैंने एक शॉप से वहाँ से लिया था जो कि जियो से ऑथराइज था, रिलायंस डिजिटल से, तो अगर हम ट्राई और करते हैं मार्केट में। अब ये रियलमी का एक ऑथराइज सर्विस सेंटर है, सर आ जाए। हाँ जी आइए, बताइए पहले क्या काम है? भाई हमको एक 5 हज़ार रुपये के अंदर एक फ़ोन लेना है, 5 हज़ार रुपये के अंदर, तो कौन सा आपके पास बेस्ट ऑप्शन है भाई? ये सबसे अच्छा स्मार्टफोन है इस ब्रांड की तरफ से। हाँ जी सर, यूट्यूबर है? हाँ यूट्यूबर। तो भाई कोई ऑप्शन 5 हज़ार में ऑप्शन मिलेगा आपको सैमसंग M01 से छोड़ के मिलेगा। तो भाई भाई ने दिखाया आईटेल का A25। ठीक है, ठीक है। तो भाई ये 16 GB रैम है और 1 GB देख 16 GB रोम है, 1 GB रैम है और 32 GB तक आप इसमें कार्ड लगा सकते हैं। कार्ड लगाना मतलब ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, और 5 का रियर कैमरा, 2 का इतने ही, कुछ ज़्यादा कुछ। इसका प्राइस, प्रॉपर प्राइस क्या है इसका जो कन्फर्म प्राइस? कन्फर्म प्राइस ये पड़ेगा आपको 4800 का। 4800 का, और सर लगता है क्रेडिट कार्ड पे 10% डिस्काउंट आप देंगे इसमें? अच्छा, तो
ठीक है रहा, क्योंकि आज के टाइम में लॉकडाउन में चीज़ें महंगी हो गई और जीएसटी लगे 18% सभी चीज़ के ऊपर, तो जो 5000 के थे वो 7000 पे 8000 पे हो गए, जो ये 3000-4000 के थे ये 5000 पे आगे टेंगे। तो ये आईटेल का बताया A25 का, ठीक है, तो 16GB इंटरनल स्टोरेज है और 1GB की रैम है और प्रोसेसर सर इसमें क्वाड कोर है, मीडियाटेक 1.4GHz पे क्लॉक है और 4 ही कोर है इसके अंदर और 4G सपोर्ट करता है और ये जो कि लैंग्वेज इनकी हाईलाइट के रखते हैं छोटे मोटे स्मार्टफोन जो ब्रांड होते हैं। आईटेल ठीक है, आईटेल की मैंने भी एक स्मार्टफोन यूज़ किया था शायद मेरे दोस्त का था, तो और कोई ऑप्शन सर इसके अलावा? इसके अलावा फिर इसके रेंज में कोई ऑप्शन नहीं, वैसे सैमसंग और आपको ये मिलेगा आईटेल। और अगर हम 10000 में चलते हैं 10000 के अंदर क्या आता है? 10000 की रेंज में भी फिर सारे ब्रांड्स में मिल जाएगा आपको, टेक्नो में मिल जाएगा सर, वो टेक्नो में कोई हो 6-7000 में अगर थोड़ा सा बजट बढ़ जाए नहीं तो ठीक है सर। आपका नाम क्या है वैसे? महेंद्र। क्या नाम है? महेंद्र। महेंद्र सर से बात हुई तो इन्होंने दिखाया भाई हमको आईटेल का A25, हम पिछले शो पे देखे थे सैमसंग का M01, तो ये दोनों स्मार्टफोन में से आप कोई सा भी ले सकते हैं, ये दोनों ही ठीक है और भी चेक करते हैं मार्केट अंदर क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ अवेलेबल है। तो चलिए सर ठीक है सर, थैंक यू सर। तो हम इन सर से बात कर लेते हैं, सर के साथ आइए सर, एक बार आ सकते हैं आप दुकान में, एक बार आपसे कुछ पूछना है कि स्मार्टफोन के बारे में, कि क्या मतलब कौन सा स्मार्टफोन इस टाइम में बेस्ट चल रहा है 5000 के अंदर, तो इस चीज़ बारे डिस्कस करना है, आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है, कौन कौन से ब्रांड के हैं, तो उस बारे में पूछना आप अलाउ करें तो एक बार। हम हमारे पास 5000 का पहले तो स्टार्टिंग है नहीं, तो हम बताएंगे क्या 5000 में नहीं है, तो 10000 में आपके पास कोई ऑप्शन हो तो आप एक बार अपना नाम बता दीजिए, आपका नाम क्या है सर? अगर आप अपना नाम बता दीजिए। ये सर हमको मिली है भाई, इनसे हम पूछेंगे 10000 के अंदर स्मार्टफोन या 10 या 15 के अंदर, क्योंकि 15 से ऊपर हम नहीं जाएंगे क्योंकि इंडिया का मतलब यही सेगमेंट इससे ज़्यादा ऊपर है नहीं, आज शिफ्ट होने लग गए हैं पर 10 से 15 के हज़ार में बात करेंगे। तो सर कोई 10000 के अंदर आपको कोई सबसे बेस्ट फ़ोन हो कोई? सर में हमारे पास तो हमारे वीवो का शोरूम है, पहला नंबर वीवो का शोरूम है, तो वीवो के फ़ोन मिलेंगे, तो आप अगर वीवो के फ़ोन दिखा सकते हो कौन सा फ़ोन? वीवो का हमारा अभी जो लेटेस्ट मॉडल लॉन्च हुआ है ये Y20 आई हुआ है, 11,490 भाई पास कर दे, फोकस कर ले इसको, ठीक है ये फ़ोन है। हाँ और कोई हो इसके अलावा? इसके अलावा फिर 15000 में आपको वेरिएंट बढ़ता जाएगा, 15000 में एक ये हमारा Y50 आ जाता है, थोड़ा सा रेंज इसका ऊपर होता है या हाँ, यह आपको 16000 रेंज में 8GB रैम है, इतने कम प्राइस में शायद ही आपको किसी ब्रांड में मिलेगा। इसका चिपसेट सर कौन सा? 8GB रैम है इसमें, 128GB इंटरनल है इसमें, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 का इसमें आपको प्रोसेसर मिल जाता है 660 हाँ, और बैटरी काफ़ी अच्छा है 5000mAh की इसमें आपको बैटरी मिल जाता है, अच्छा, और चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी इसमें आपको टाइप सी मिल जाता है। तो सर एक ऑनलाइन और ऑफलाइन कोई फर्क है क्या कि सर? मतलब फर्क होता है इसमें आपको मतलब ऑनलाइन से यहाँ पे 23 दिन का गारंटी ज्यादा मिलता है। अच्छा, ऑनलाइन में जो आपको रिप्लेस वारंटी होता है ओनली आपको 7 डेज का देता है, और काउंटर से अगर आप वीवो का फोन परचेज करते हैं तो 1 महीने का रिप्लेस वारंटी होता है, फिजिकल डैमेज लिक्विड डैमेज छोड़ के अगर फोन में प्रॉब्लम आता है तो आपका फोन कंपनी रिप्लेस करके हैंडसेट के बदला हैंडसेट आपको स्वैप करके फ्री आपकी शॉप फिर ऑथराइज है या फिर ऑफिशियली? ये ऑथराइज शॉप है, तो वीवो के स्मार्टफोन यहाँ पे अवेलेबल होंगे, वीवो के एसेसरीज कुछ हो? वीवो के एसेसरीज में ये आ जाता है, अभी लेटेस्ट वीवो ने अपना हैंड फ्री मार्केट में लेके आया हुआ नया एसेसरी 700 का है, काफी अच्छा है ये। हाँ। और कुछ हो इसके अलावा? 15000 से 10000 के बीच में और करना था? 15 से 10000 के बीच में इनका लेटेस्ट जो लॉन्च हुआ है ये Y20 आ जाता है, तीन सीरीज में, इसमें आपको Y20i आ जाता है जिसमें आपको 3GB RAM 64GB इंटरनल, और एक आता है 13000 में आता है जिसमें आपको 4GB RAM और आपका 64GB इंटरनल आता है, और एक आता है 14000 में जिसमें आपको 6GB RAM होता है और 64GB इंटरनल होता है। तो भाई ये तीन वेरिएंट अभी आया हुआ जो लेटेस्ट जो सबसे मार्केट में ज्यादा डिमांड है इस मॉडल का। अच्छा, तो इसका ऑनलाइन प्राइस और आपके ऑफलाइन सेम प्राइस है, कोई ज्यादा कुछ आप चार्ज नहीं करते? काउंटर से लेने पे फायदा होता है वीवो का कि आपको 23 दिन का गारंटी ज्यादा मिलता है, प्लस ऑन काउंटर सर्विस होता है। अच्छा, कोई दिक्कत परेशानी हो तो कस्टमर को इसमें सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ता है, ऑन काउंटर सर्विस प्रोवाइड कराती है कंपनी, अगर आप कंपनी का आउटलेट से लेते हैं तो ये कस्टमर को बहुत एक मतलब बेनिफिट वाला चीज है। और जो आपकी ईयरफोन दिखाई इसकी तो 6 मंथ की वारंटी है, 1 ईयर की? 6 मंथ की वारंटी होती है, ऐसे भी इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। तो भाई देख लीजिए आप, सर का नाम क्या सर आपका? मेरा मिराज नाम है, मोहम्मद मिराज सर है हमसे भाई बात हुई इनकी वीवो की ऑफिशियल शॉप है, मतलब ऑथराइज है जहाँ पे आप वीवो के स्मार्टफोन मिलेंगे। कुछ एक और देखने को मिल रहे हैं पर
मेनली इनका काम वीवो का लग रहा है मेरे को, ठीक है। वीवो और ओप्पो के कुछ थोड़े शॉप रहते हैं भाई, इनका कुछ अलग ही कुछ होता होगा वो हमको पता नहीं है। दिवाली के टाइम है तो वीवो गिफ्ट वगैरह भी प्रोवाइड करा दीजिए, वीवो गिफ्ट बॉक्स वगैरह मिलता है वीवो के टाइम पे। बाकी अच्छा, अगर वीवो का हाई रेंज का फोन लेते हैं तो वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट का भी, फर्स्ट जो 6 मंथ होता है उसमें वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट का भी ऑफर दे रही है जो इनके प्रीमियम सीरीज है। अच्छा, जैसे हमारा ये V20 सीरीज आता है, ICICI के क्रेडिट कार्ड पे आपको 10% कैशबैक भी दे रहे हैं। अच्छा, और फेडरल बैंक पे भी मिलता है। जो कार्ड पे आप कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, जैसे ऑनलाइन हमको मिलता है फ्लिपकार्ट अमेज़न पे, ICICI पे 10% का कैशबैक है। उसके अलावा कोटक महिंद्रा का अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो उस पर भी आपको मिल जाएगा। प्लस और भी ऑल क्रेडिट कार्ड पे 0 EMI इंटरेस्ट पे आपको 6 मंथ तक का EMI कंपनी बना देती है, जिसमें कस्टमर अगर बैंक से करवाता है तो उसको 13% देना पड़ता है। और कस्टमर अगर डायरेक्ट परचेज करता है यहाँ से क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, अगर एलिजिबल है एक्सिस बैंक हो या HDFC हो या ICICI हो, तो उसका 6 मंथ का डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे 6 मंथ तक का EMI 0 इंटरेस्ट पे EMI उसको बन जाता है। सर ये कह रहे हैं भाई आपको सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे, आपका फोन फाइनेंस भी कर दिया जाएगा, ठीक है। और सारे आप क्रेडिट कार्ड से या वीवो का आप लेना तो आपको सर कोई कार्ड है यहाँ पे, कोई आपके शॉप कार्ड हो, कोई कार्ड होता है तो भाई सर में ये तो अच्छे क्लोन होंगे ना वैसे, ये डब्बी होगा ये हमारा कार्ड होता है, ये सर का कार्ड है भाई। देखो ये आप इस पे आ सकते हैं जनकपुरी में, अगर आप दिल्ली से हैं तो आप इस पे आ जाइएगा, पर देखिएगा आपको और अच्छा लगे तो ही लीजिए, कोई वो नहीं है। आपको सभी जगह चेक कर, क्योंकि यार वीवो ओप्पो गए आजकल सभी जगह ऑफिशियल जो कि ऑथराइज चीज है ये शॉप खुली हुई है, पर आपका जो प्राइस ठीक लगे सर कर ले कुछ, या कुछ आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ फेस्टिवल में कुछ चीज़ दे दे तो वो चीज़ आप पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो भाई यही मिला हमको वीवो, और अब हम चेक करेंगे हमारे मेन था मोटिव जो रियलमी और शाओमी के बीच में था ना, या फिर कोई सैमसंग का या शायद M10 है सर, कोई 5000 के अंदर M10 है सर, M01 है, आता है सैमसंग का, लेकिन उसका परफॉर्मेंस बहुत ही स्लो है। अगर कंपनी 5000 में अगर आप देखते हैं तो रियलमी में आ जाता है, रियलमी में थोड़ा सा 7000 से स्टार्टिंग करता है उसका फोन, फिर भी ठीक होता है, लेकिन सैमसंग आपको 7000 के नीचे रीजनेबल मतलब फोन नहीं है उसका, कस्टमर को सिर्फ कॉलिंग उठा सकता है काट सकता है इतना ही के लिए फोन अच्छा होता है 5000-6000 का। लेकिन अगर थोड़ा सा कस्टमर को व्हाट्सएप फेसबुक यूज करना है तो कम से कम 8000 का फोन उसको मतलब लेना ही पड़ेगा, लेना पड़ेगा कम से कम। और ये लॉकडाउन के बाद थोड़ी सी और ज्यादा होगी, क्योंकि लॉकडाउन से पहले प्राइस कम था, फिर GST लग गया, GST के बाद अप्रैल से ना 18% GST हो गया मोबाइल जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है उस पे गवर्नमेंट ने कर दिया, नहीं तो उससे पहले ओनली 12% होता था, 12% का GST इंक्लूड होता था, मतलब जो भी जो 15 के नीचे थे उनका 1000 रुपया बढ़ गया प्राइस, बिल्कुल, जो 15000 के ऊपर फोन थे उनपे 2000-2000 रुपया महंगा हो गया वो फोन, तो ये ठीक है सर, तो अच्छा लगा आपसे मिलकर, ठीक है। तो ये भाई हमारा चैनल आप देख लीजिएगा इस पर, ठीक है, इस पर वीडियो अपलोड होंगी, ये शायद थोड़े दिन बाद आए, ये टेक्शोमी के नाम चैनल है, इसके ऊपर ये वीडियो आएंगी। तो अभी हम मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे कि देख लें थोड़ा बहुत ये था, तो ठीक है भाई सर, ओके सर, ठीक है भाई, ओके थैंक यू, ठीक है। Skies of a different light, why noise it keeps me up at night, I can't help but think back to you, I wish that I could find a face that I would recognize, I replay the memory of you, it's been hard, you know I want